हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो इम्पोर्टेंट कंपैरिजंस के आंसर के रिलेटेड है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बीसीपी सब्जेक्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट कंपैरिजंस थे उन सभी की लिस्ट प्रोवाइड की थी। सो आज इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस के आंसर प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो इस वीडियो में आप बने रहना। और जो भी चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल 15 इम्पॉर्टेंट कंपैरिजंस थे, डिफरेंसेस थे। तो ये जो आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, उसके रिलेटेड मैं आपको दो वीडियो देने वाला हूँ, ताकि ये वीडियो लंबा ना खींचे और आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे पहले 7 इम्पॉर्टेंट कंपैरिजंस के आंसर दूंगा, उसके बाद अगले वीडियो में मैं 8 से लेकर 15 के आंसर देने वाला हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो एंट्री कंट्रोल लूप वर्सेस एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो उसको आपको कैसे याद रखना है कि मैंने जितने भी यहाँ पे रेड एंड बोल्ड करके कीवर्ड्स लिए हैं ना, उन सभी पर आपको फोकस करना है और उनके आगे का जो लेटर है उसको याद रख लेना है। और यहाँ पे नीचे जो स्टूडेंट रिमेम्बर्ड इट एज अ, तो यहाँ पे जो EU C² है तो वो कीवर्ड के आगे का लेटर है, तो उस तरीके से आप इजीली सभी याद रख सकते हो। और यहाँ पर जो सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल एंट्री कंट्रोल लूप है, तो उसमें जो पॉजिटिव होगा सेंटेंस वो यहाँ पे नेगेटिव होगा, और जो एग्जिट कंट्रोल लूप में पॉजिटिव सेंटेंस होगा वो यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो एकदम इजीली तरीके से आपको कंपैरिजन याद रख सकते हो। और ये आप डेफिनेशन में और कोई भी थियोरी आई, शॉर्ट नोट आई, GTU ने निकाली एक्सटर्नल एग्जाम में, तो उसमें आप रख सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो वैसे ही आपको दूसरा देख लेना है, मैं सभी का आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा खींच जाएगा। आपको सिर्फ कीवर्ड्स पे ही ध्यान रखना है और उसके आगे का लेटर वो आपको एज अ सॉन्ग करके याद रख लेना है। फिर ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ये तो थियरी है, थियरी को मैंने एज अ कंपैरिजन में कन्वर्ट किया है, आप एकदम इजीली लिख सकते हो। और स्टैटिक वर्सेस एक्सटर्न स्टोरेज क्लास भी इम्पोर्टेंट है, कितनी बार डेफिनेशन में कोई निकाल देते हैं कोई एक। और जो सिंटैक्स है वो भी आपको इसी वे में प्रिपेयर करनी है, जो कैपिटल लेटर है वो कैपिटल, जो स्मॉल है वो स्मॉल में यूज़ करना है, और कोई भी सिंटैक्स में एरर नहीं करनी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। फिर स्ट्रक्चर वर्सेस यूनियन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 3 मार्क्स में डेफिनेशन निकल कर आती है इन दोनों की, तो ये पॉइंट आप लिख दोगे तो ईजिली आपके 3 मार्क्स मिल जाएंगे। एरे वर्सेस स्ट्रक्चर में भी एरे के रिलेटेड निकलती ही निकलती है और उसके टाइप होते हैं, तो टाइप अलग से चर्चा करेंगे, पहले ये देख लो। और आपको सभी में रेड एंड बोल्ड करके जितने भी कीवर्ड्स लिखे हैं वो याद रखना है और उसके आगे का लेटर सॉन्ग में, ठीक है। सब आप पॉइंट वन बाय वन देख लेना, मैं ज़्यादा समझाने नहीं रहूँगा क्योंकि ये ट्रिक ज़्यादा ईजी है। फिर अल्गोरिदम वर्सेस फ्लो चार्ट, तो उसमें स्टूडेंट डेफिनेशन निकलती है ज़्यादातर, लेकिन मैंने आपको कंपैरिजन के रूप में मैंने ये दे दिया है क्योंकि एक दो बार डेफिनेशन नहीं आई थी, एक दो बार GTU ने एक्सटर्नल एग्ज़ाम में ऐसा कंपैरिजन रख दिया था, तो आपको ये दोनों में चलेगा। कंपैरिजन पूछे तो ये लिख लेना, अदरवाइज डेफिनेशन हो तो कोई एक साइड का टॉपिक याद रख लेना। और हाँ, यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो उनकी जो डेफिनेशंस होती है उसके रिलेटेड पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे कोई रेड एंड बोल्ड करके सेंटेंस नहीं लिखा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और डी स्टैंड्स इसीलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे डी 3 टाइम्स है और मैंने यहाँ पे D^4 लिखा है, लेकिन एक डी जो है वो डेफिनेशन के रिलेटेड है, तो उन सभी को मिलाकर D^4 हो जाते हैं, ठीक है। सो ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना, तो वो भी इजीली थियोरीज एंड कंपैरिजंस, डेफिनेशंस इस तरीके से इजीली वे में याद रख सके। जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है तो। आई होप गाइस कि मैंने जो आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।